सचिन शर्मा मोहाली में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सचिन शर्मा, एनआईए की टीम वहां पर पहुंची है, क्या क्या जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? जी, मैं इस वक्त जो इंटेलिजेंट विंग का हेडक्वार्टर है उसके बाहर खड़ा हूं और एनआईए की टीम यहां सुबह से पहुंची हुई है। जो क्लूज हैं, वाइटल क्लूज जो हैं, उसको कलेक्ट कर रही है एनआईए की टीम। फिलहाल जो जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिस थ्योरी पे एनआईए काम कर रही है, वो जरूर बताना चाहूंगा कि ये सामने जो बिल्डिंग है ये इंटेलिजेंस विंग की बिल्डिंग है और सामने जो खिड़की दिख रही है वो बिल्कुल तिरछी है, डायगोनल है जहां मैं खड़ा हूं, और यहीं से इसी एंगल से एनआईए जो है जांच कर रही है। इसी एंगल से जो रॉकेट लॉन्चर का यूज किया गया ग्रेनेड फेंकने के लिए, इस बिल्डिंग के बिल्कुल जहां मैं खड़ा हूं लेफ्ट साइड को जो है एक चेक पोस्ट है, और चेक पोस्ट क्योंकि एक बड़ा बोर्ड वहां लगा है और पेड़ है, और उन पेड़ों से यहां का जो जहां विजुअल जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं वो विजुअल जो है वो दिखते नहीं है, वहां विजिबल नहीं है प्लेस जो है, तो इसलिए इस जगह का इस्तेमाल जो है वो किया गया है यहां से रॉकेट लॉन्च करने के लिए। मैं कैमरा सहयोगी को कहूंगा कि थोड़ा सा कैमरा घुमाएं। यहां जो है एनआईए की टीम जो है अभी कुछ वक्त पहले 10 मिनट पहले एनआईए की टीम जो है तमाम इन्हीं झाड़ियों के पीछे जो है इन्वेस्टिगेशन जो है कर रही थी, यहीं से इसी एंगल से रॉकेट लॉन्चर जो है यूज किया गया जो ग्रेनेड फेंकने के लिए, क्योंकि जो सीमेंट जो है खिड़की पे टूटा हुआ है उसका एंगल भी हमने देखा जब दिन में एनआईए की टीम यहां आई थी, तो जो वो डायगोनल जो है उसको पैमाइश उसकी कर रहे थे कि किस एंगल से जो है ये सीमेंट जो है टूटा है। तो एक बात जो है एनआईए की जो थ्योरी जो है उसके ऊपर हम समझ सकते हैं जो काम कर रहे हैं कि डायगोनली जो है झाड़ियों की बात है कि सभी तरीके के छोटे बड़े साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश में एनआईए लगी हुई है, पंजाब पुलिस लगी हुई है, और क्योंकि ये तार जो है वो खालिस्तानी आतंकवादियों पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़ रहे हैं, इसलिए ये बहुत गंभीर हो जाते हैं। और जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी, उन्होंने ये बड़ी खबर इस समय की दी है कि एक सफेद गाड़ी, ये माना जा रहा है कि उसका इस्तेमाल हुआ है, और टोल प्लाजा के जरिए उस सफेद गाड़ी को खोजने की कोशिश लगातार चल रही है। दो लोगों को हिरासत में भी लिया गया, पूछताछ जारी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।